अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपको सच बोलना मना है। अगर आप यूपी में रहकर सच बोलेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। यूपी सरकार ने एक नई योजना चला रखी है, सच बोलो जेल जाओ योजना। और इस योजना के तहत महज एक सप्ताह के अंदर 7 पत्रकारों की गिरफ्तारी की गई। सच बोलो जेल जाओ योजना पर सरकार वचनबद्ध है और बड़े कठोर तरीके से इस नियम का पालन कर रही है। अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला, जहां वाल्मीकि समाज यानी कि दलित परिवार के कुछ लोग अपने ही गांव के एक नल से पानी निकालने जाते हैं और समाज के लोग उन्हें उस नल से पानी नहीं निकालने देते। इस पर दलित परिवार अपने मकान के सामने लिखता है कि यह मकान बिकाऊ है और हम पलायन करना चाहते हैं। इसी खबर को एक पत्रकार ने प्रकाशित कर दिया, तब उस पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं लगाकर उसे जेल भेजा गया, जिसमें 353 ए दुश्मनी को बढ़ावा देना, 503 आपराधिक धमकी, 268 अपद्रव और 66 ए के तहत मामला दर्ज किया गया। वो पत्रकार जो ये बता रहा था कि समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग पर हावी हो रहा है, उसका शोषण कर रहा है, महज इतनी सी बात के लिए उस पर इतनी धाराएं ठोककर उसे जेल में डाला गया। इतनी ही बात नहीं है दोस्तों, इसके बाद है उत्तर प्रदेश का अजमा गांव, जहां पर बच्चों के साथ झाड़ू लगाता हुआ एक मामला सामने आया और पत्रकार ने इस मामले को प्रकाशित करते हुए बताया कि कुछ बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, उनसे काम कराया जा रहा है। बस इतनी सी बात के लिए पत्रकार के खिलाफ कई मामले दर्ज कर उसे जेल डाला गया। अब एक घटना आप जानते होंगे, बहुत चर्चित रही, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला, जहां बच्चे को मिड डे मील में रोटी और नमक खिलाया जा रहा था। बस इस मामले को प्रकाशित किया था पवन ने। पवन वो पत्रकार थे जिन्होंने ये बताया कि मिड डे मील जो सरकार की बहुत प्रचलित योजना रही है, उसमें बच्चों को नमक रोटी परोसा जा रहा है। बस इसी एक चीज को प्रकाशित करने के लिए पत्रकार के खिलाफ 120B यानी कि आपराधिक षड्यंत्र की साजिश, 420 धोखाधड़ी और 193 यानी कि झूठे सबूत इकट्ठा करने का मामला जो है पवन पर ठोका गया। और आपको बता दें कि बाद में पता चला कि पवन सही थे, लेकिन उन पर इतने मामले दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजने की कोशिश की गई। ये है उत्तर प्रदेश की सरकार जो पत्रकारों को सच नहीं दिखाने दे रही है। पत्रकार का काम होता है कि वो समाज की सच्चाई को हम लोगों तक पहुंचाएं, सरकार की योजना पर कठोर सवाल करें, सरकार की योजना का मूल्यांकन करें। उन पत्रकारों पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी तरफ सरकार की ही तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से, सरकार की विभिन्न योजनाओं की बढ़ाई करने के लिए 15,000 रुपये देने की बात कही गई है और कहा गया है कि कई पत्रकार लेख लिखें और 16/9/2019 तक दोपहर 3 बजे तक इसे लाकर हमारे पास दें। और ऐसे 30 पत्रकारों का चयन किया जाएगा और इन चयनित पत्रकारों को 15,000 रुपये जो हैं वो दिए जाएंगे। इस तरह की बात सरकार करती है झारखंड की, और ये कहती है कि सरकार की योजनाओं का लाभ, सरकार की योजनाओं की तारीफ कीजिए और 15,000 रुपये ले जाइए। ऐसे लोगों को चयनित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और वो लोग लेखों को पढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे। एक तरफ सच दिखाने वाले पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है और दूसरी तरफ पत्रकारों से तारीफ के पुल बनवाकर उन्हें पैसा बांटा जा रहा है। ये है हमारी सरकार जो हमारे साथ भेदभाव रख रही है। जो पत्रकार का काम है कि वो हमें सच्चाई दिखाए, सरकार की आलोचना करे, वैसे पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप सोच रहे होंगे कि इतने पे ही बात ख़त्म हो जाए तो बात ही बात है। अभी आपको दिखाते हैं आज तक के एक रिपोर्टर हैं जो 15 दिन के अंदर हमें क्या परोस रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, उसकी एक झलक इस फोटो में आपको नज़र आ रही होगी। इस प्रकार मेन स्ट्रीम मीडिया बिक गया है, लेकिन फिर भी उन्हें आलोचना ही सहनी पड़ रही है। अभी हम आपको दिखाते हैं हमारी और आपकी चहेती प्रज्ञा ठाकुर ने पत्रकारों से कैसी वार्ता की। एक तो पत्रकार अपनी जमीर बेचकर आपकी तारीफ कर रहा है, उस पर भी आप ऐसी आलोचना कर रही हैं। एक भी ईमानदार नहीं है, हम बोल रहे हैं, तुम सुनो तुम्हारी तारीफ। जितने भी मीडिया के सीहोर के मीडिया वाले हैं सब बेईमान। बहुत बढ़िया, ऐसे अंधभक्तों और ऐसे घटिया दलालों पत्रकारों के साथ ऐसा ही होना चाहिए।
बहरहाल आपको वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और ये बताएं कि जो चौथा स्तंभ है उसे गिरा दिया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है। और आपसे एक गुजारिश है कि जब भी कोई ऐसा मामला आता है जिसमें आपको लगता है कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए तो बेशक उठाइए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अब आवाज़ उठा नहीं रहा है तो हम और आप सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे चीज़ों पर आवाज़ उठाएंगे, तभी कार्रवाई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही सोशल इशू पर आवाज़ उठाएंगे और समाज को सच्चाई दिखाएंगे। धन्यवाद। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।